हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने JKSSB क्लास फोर्थ का होल सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर दिया है। और अब हमने क्लास फोर्थ एस्पायरेंट्स के लिए 1000+ क्वेश्चन सीरीज लाई हुई है, जिसकी वीडियोस आपको डेली मिलती रहती है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको ये सीरीज जो है वो सीरीज में आपको डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर आपको जो है क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और उसी के साथ साथ हमने क्विज शुरू किया है, जिसमें हम डेली आपका डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्विज लेंगे। तो आपकी तैयारी देखेंगे कि हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी किस तरह की पकड़ है और किस तरह की आपने उस टॉपिक की तैयारी की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्विज नंबर सेकंड। क्विज नंबर वन कल का हो चुका है, तो आज का जो हमारा क्विज होगा वो होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। तो साथ ही साथ मैं बता दूं कि करंट अफेयर की वीडियोस आपको कल से मिल जाएगी। 6 से 7 वीडियोस आपको टोटल मिलेंगी करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो आपको करा दिया जाएगा। काफी दोस्त हमारे जो है कमेंट कर रहे थे कि करंट अफेयर कराया जाए, तो वो भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे कल से आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं देना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एंग्लर्स पैराडाइज। तो एंग्लर्स पैराडाइज आपको पता है, जो मछुआरों में एंग्लर्स कौन से होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे होते हैं जो, तो मछुआरों के लिए पैराडाइज के समान कश्मीर में कौन सी जगह है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं गुलमर्ग, ऑप्शन बी है आपके पास पहलगाम, ऑप्शन सी है आपके पास सोनमर्ग, और ऑप्शन डी है आपके पास डल लेक। तो आपने वीडियो पॉज करनी है, अपना ऑप्शन चूज करना है, तो उसके बाद वीडियो प्ले करके देखना कि आपका सही है या गलत। तो आपके जितने भी 20 में से आपके जितने क्वेश्चन आएंगे, वो नंबर जो है आपके आएंगे, वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपका, जो पहलगाम है उसे हम कहते हैं एंग्लर्स पैराडाइज। तो यानी कि पहलगाम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एंग्लर्स पैराडाइज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, सोनमर्ग इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड पॉपुलर फॉर इट्स एल्पाइन फ्लावर्स, सिल्वर बीच एंड पाइन ट्रीज। सोनमर्ग इज फेमस एज, किस नाम से जो है सोनमर्ग फेमस है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन बी मीडो ऑफ गोल्ड, ऑप्शन सी एडोब ऑफ फेरीज, ऑप्शन डी विलेज ऑफ शेफर्ड्स। बताइए जो सोनमर्ग है वो किस नाम से जो है फेमस है, या किस नाम से ज्यादातर जाना जाता है। तो होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीडो ऑफ गोल्ड। आप इसका आइडिया जो है वो सोने से लगा सकते हो, सोना मीन्स गोल्ड, तो सोनमर्ग जो है उसका नाम जो है वो है मीडो ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपका है, पढ़िए इसको, क्या है। गुलमर्ग इज अ हिल स्टेशन एंड अ पॉपुलर स्काइंग डेस्टिनेशन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, गुलमर्ग जो है एक हिल स्टेशन है और स्काइंग डेस्टिनेशन के लिए ये काफी पॉपुलर है। तो दिस हिल स्टेशन लाइज ऑन, तो जो गुलमर्ग है वो कहाँ पर लाई करता है हमें ये बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं लंग पैंगोंग रेंज, पीर पंजाल रेंज, अरावली रेंज एंड चंगी कोंग रेंज। तो नाम अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किए होंगे तो आप करेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके जो है ऑप्शंस है, आपने इसमें से बताना है कि जो सही आंसर कौन सा है। जो गुलमर्ग है वो कौन से, जो गुलमर्ग हिल स्टेशन है वो कौन सी रेंज पर लाई करता है हमें ये बताना है। तो ऑप्शंस आपको बता दिए मैंने, तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो होप आपने इसका आंसर जो है वो मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पीर पंजाल रेंज, यानी कि गुलमर्ग जो हिल स्टेशन है वो पीर पंजाल रेंज के ऊपर लाई करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, परी महल इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ माउंटेन जबरवान इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस्टेब्लिश्ड बाय। जो परी महल है वो किसने इस्टेब्लिश किया था वो हमें बताना है। तो बताइए किसने इस्टेब्लिश किया था। ऑप्शंस आपके पास हैं जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी असफ खान एंड ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो इसमें जो जो सही आंसर है वो आपने बताना है। तो होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ने जो है परी
परी महल को एस्टैब्लिश किया था। तो होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोलता है पढ़िए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज स्टार्टेड बाय, जो कंस्ट्रक्शन थी रघुनाथ टेम्पल की जम्मू में वो किसने स्टार्ट की थी। ऑप्शंस आपके पास हैं प्रताप सिंह, ऑप्शन बी हरि सिंह, ऑप्शन सी गुलाब सिंह, ऑप्शन डी रणवीर सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप मार्क करिए। तो होप आपने मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुलाब सिंह। तो जो गुलाब सिंह थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू। तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो रघुनाथ टेम्पल की वो गुलाब सिंह ने स्टार्ट की थी। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़िए, सिक्स पढ़िए क्या है। Which of the following historical places is located on the bank of Tavi River in the UT of Jammu and Kashmir? नीचे दिए गए हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उसमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जो तवी रिवर के बैंक पे है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं ऑप्शन ए रघुनाथ टेम्पल, ऑप्शन बी भीमगढ़ फोर्ट एंड ऑप्शन सी बाहू फोर्ट एंड ऑप्शन डी दंडीधर फोर्ट। तो बताइए इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है। तो होप आपने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाहू फोर्ट। तो बाहू फोर्ट जो है वो आपका सही आंसर होगा। बाहू फोर्ट कहाँ पर है, ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। तो ये आपने ये ध्यान में रखना है, बैंक ऑफ तवी रिवर। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़िए। विच टेम्पल ऑक्युपाइज द टॉप ऑफ द हिल्स नोन एज तख्त सुलेमान इन द साउथ ईस्ट ऑफ कश्मीर। तो कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसने ऑक्युपाई किया है टॉप ऑफ हिल्स जिसको हम कहते हैं तख्त सुलेमान इन द साउथ ईस्ट ऑफ कश्मीर। तो ऑप्शंस आपके पास हैं ऑप्शन ए हरि पर्वत फोर्ट, ऑप्शन बी खीर भवानी, ऑप्शन सी परी महल, ऑप्शन डी शंकराचार्य टेम्पल। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो विच टेम्पल ऑक्युपाइज द टॉप ऑफ द हिल नोन एज तख्ते सुलेमान इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। तो बताइए ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रहेगा शंकराचार्य टेम्पल। तो शंकराचार्य टेम्पल ऑक्युपाइज द टॉप ऑफ हिल्स नोन एज तख्ते सुलेमान। तो होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। तो ये भी मैक्सिमम लोगों को पता होगा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैली ऑफ शेफर्स, एडोब ऑफ फेयरीज किसे कहा जाता है, मिडो ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है, मिडो ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वीडियोस देखें ताकि आपकी जो है इन टॉपिक्स में अच्छे से पकड़ हो जाए और आपको जो भी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट हमने पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो विच पढ़िए क्वेश्चन नंबर एट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वैली ऑफ शेफर्ड्स। तो ऑप्शंस आपके पास हैं ऑप्शन ए पहलगाम, ऑप्शन बी गुलमर्ग, ऑप्शन सी सोनमर्ग, ऑप्शन डी बेताब वैली। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो होप आपने मार्क कर दिया होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा पहलगाम। तो पहलगाम इज नोन एज द वैली ऑफ शेफर्ड्स। तो आपने ध्यान में रखना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो भी बाकी लिस्ट है वो हमने आपको प्रोवाइड करवाई होगी अपने वीडियो में, तो वहां से आपने जरूर पढ़ लेनी है पूरी लिस्ट कि एडोब ऑफ फेयरीज किसे कहा जाता है, वैली ऑफ शेफर्ड तो हमने ये हम यहाँ पे कर दिया, मिडो ऑफ गोल्ड, मिडो ऑफ फ्लावर्स, तो सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स किसे कहा जाता है, ये सारे जो है हमने अपनी वीडियो में कवर करे हुए हैं, तो वहां से आपने कर लेने हैं। तो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दच्चीगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। दच्चीगाम जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं वाइट टाइगर, ऑप्शन बी हैंगुल, ऑप्शन सी लेपर्ड, ऑप्शन डी हिस्पिड हेयर। तो बताइए जो दच्चीगाम नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है।
तो होप आप सबने आंसर मार्क कर दिया होगा। तो मैं उसका आंसर मार्क करता हूँ जो कि है हैंगुल। हैंगुल जो है वो पॉपुलर किस में है? रचीगांव नेशनल पार्क में है। ठीक है, रचीगांव नेशनल पार्क में हैंगुल पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th जो है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10th क्या है। विच रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द बुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? बुलर लेक के लिए सोर्स ऑफ वाटर कौन सी रिवर है जम्मू एंड कश्मीर में, वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं रावी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी इंडस, ऑप्शन डी झेलम। तो आपने हमें बताना है कि जो सोर्स है वाटर का बुलर लेक के लिए जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन सी रिवर है। तो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, तो होप आपने मार्क आंसर इसका कर दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है झेलम। तो झेलम रिवर जो है वो सोर्स ऑफ वाटर है फॉर वुडर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है। द हिल स्टेशन गुलमर्ग, जो हिल स्टेशन है गुलमर्ग, जिसे हम किस नाम से फेमस है बताइए। गुलमर्ग को हम एक और नाम से जो है बोलते हैं, वो क्या नाम है वो हमें आप बताइए। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा जो मीडो ऑफ फ्लावर्स है वो हम गुलमर्ग को कहते हैं। ये गुलमर्ग का नाम है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मीडो ऑफ फ्लावर्स। तो हमें बताना है आपने कि जो हिल स्टेशन है गुलमर्ग वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी बडगाम डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो होप आपने मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बारामूला। तो जो गुलमर्ग है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और गुलमर्ग को हम किस नाम से जानते हैं, मीडो ऑफ फ्लावर के नाम से। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द वुलर लेक इज सिचुएटेड एट, तो हमें बताना है कि जो वुलर लेक है, जो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो हमें बताना है। तो बताइए बुलर लेक इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए आपके पास है बारामूला, ऑप्शन बी आपके पास रहेगा गांधरबल, ऑप्शन सी आपके पास रहेगा बांदीपुरा, ऑप्शन डी आपके पास रहेगा श्रीनगर। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या है, बुलर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो बताइए, होप आपने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो बांदीपुरा में जो है बुलर लेक पाई जाती है। तो भूलना नहीं है आपने ये सभी जो है, अच्छे से आप हमारी वीडियो देखिए फैम, जो हमने 2 से 3 पार्ट्स में जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर किया है, उन वीडियोस को अच्छे से देखिए, ताकि जो है 2 से 3 मार्क्स जो है आपके वो कंफर्म रहे। काफी इजी टॉपिक है ये। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो ये आपको देख के ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए, काफी इजी बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट ये जो क्वेश्चन है, ये आपका जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। तो जिन्होंने वो दिया होगा एग्जाम तो उनको ये क्वेश्चन जो है पता होगा। व्हाट आर द वुडन बोट्स यूज्ड इन डल लेक नोन एज, जो वुडन बोट्स होती हैं डल लेक में उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शंस के आपके पास हैं गंडोला बोट्स, ऑप्शन बी आपके पास है कयाकस, और ऑप्शन सी आपके पास है जुकंग्स, और ऑप्शन डी आपके पास है शिकारास। तो बताइए आपका जो सही आंसर है वो क्या है। तो होप आपने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो पास करके इसका आंसर मार्क कर सकते हो, उसके बाद वीडियो प्ले कर सकते हो। तो मैं आपका आंसर बताने लगा, इसका जो आंसर है इसका जो है वो है आपका शिकारास। शिकारास जो है वो बड़ी काफी फेमस है जो डल लेक में। ठीक है, जो वुडन बोट्स जो है काफी फेमस है डल लेक में, उनको हम कहते हैं शिकारास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए आप। द फेमस जामा मस्जिद एट श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय, जो जामा मस्जिद है श्रीनगर में उसको किसने बिल्ट किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ तो उसको आपने अच्छे से दिमाग में बसा लेना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अमूमन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास हैं जैनुल अबिदीन
सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी आपके पास है सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन डी आपके पास है नवाब। तो ऑप्शंस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए आपके पास है जैनुल अबिदीन, ऑप्शन बी आपके पास है सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी आपके पास रहेगा सुल्तान सिकंदर, एंड ऑप्शन डी आपके पास रहेगा नबन ऑफ अबब। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। ये रहे आपके पास ऑप्शंस, तो होप आपने मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुल्तान सिकंदर। तो सुल्तान सिकंदर ने जो है जामा मस्जिद को श्रीनगर में बिल्ट किया था। चलिए हम करते हैं मूव अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हरि पर्वत के ऊपर जो पूछा जाता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हमें आपने बताना है कि जो हिल ऑफ हरि पर्वत हैज अ श्राइन ऑफ, जो हिल ऑफ हरि पर्वत है उस पर किसकी श्राइन है। वैष्णो देवी की श्राइन है, रगड़िया देवी की श्राइन है, ख्वाजा मखदूम साहिब की श्राइन है, या नन ऑफ अवब है। बताइए कौन से ऐसे गॉड या गॉडेस हैं जिनकी जो है श्राइन है जो हरि पर्वत के ऊपर है। तो वो आपने हमें बताना है। तो चूज करिए आपका ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन चूज करिए। हिल ऑफ हरि पर्वत हैज द श्राइन ऑफ, ऑप्शंस आपके पास है वैष्णो देवी, ऑप्शन बी आपके पास है रगड़िया देवी, ऑप्शन सी आपके पास है ख्वाजा मखदूम साहिब, एंड ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ अवब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ख्वाजा मखदूम साहिब। तो ख्वाजा मखदूम साहिब की जो श्राइन है वो हरि पर्वत के ऊपर है। तो होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनसावल लेक इज फेमस फॉर, तो मनसावल लेक जो है वो किसके लिए फेमस है। तो मनसावल को किस नाम से जो है जाना जाता है, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किस नाम से जाना जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मनसावल है उसे कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, मीरी लेक्स, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स मनसावल को कहा जाता है। ये तो आपको पूछा जा सकता है। डीपेस्ट लेक है ये जो है श्रीनगर में जो भी लेक्स पाई जाती हैं उसमें सबसे डीपेस्ट जो है वो मनसावल लेक है। तो ये किसके लिए फेमस है ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपके पास है लोटस, ऑप्शन बी आपके पास है रोज, ऑप्शन सी आपके पास है फिश, ऑप्शन डी आपके पास है जूही। तो बताइए इसमें से किसके लिए जो मनसावल लेक है वो फेमस है। तो होप आपने आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, जो कि है आपका लोटस। तो यानी कि जो मनसावल लेक है वो लोटस के लिए काफी फेमस है। तो मनसावल का मैंने आपको दूसरा नाम बता दिया, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी इसे कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निशांत बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, ऑप्शंस आपके पास हैं शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी आसफ खान, ऑप्शन डी नूर जहां। तो हमें आपने बताना है कि इनमें से किसने जो है निशांत बाग को कंस्ट्रक्ट किया था। तो अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये फट से आंसर जो है इसका आपको आ जाएगा। तो बताइए कौन सा जो है सही आंसर है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है, आई होप आपने मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आसिफ खान। तो आसिफ खान ने जो है कंस्ट्रक्ट किया था किसको, निशांत बाग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अब आता है मनसाबल पर ही एक और क्वेश्चन आता है कि मनसाबल जो है लेक, मनसाबल लेक जो है जिसे हम सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी कहते हैं, जो लोटस के लिए फेमस भी है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो हमें डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो ऑप्शंस आपके पास है बांदीपुरा, ऑप्शन बी आपके पास है श्रीनगर, ऑप्शन सी आपके पास है गांदरबल, ऑप्शन डी आपके पास है बारामूला। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, बांदीपुरा, श्रीनगर, गांदरबल एंड बारामूला। तो मनसावल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो हमें आपने बताना है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। तो जो मनसाबल लेक है वो आपकी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो होप अभी तक जो मैक्सिमम लोगों के अच्छे मार्क्स ही आए होंगे। अब बचते हमारे लास्ट दो क्वेश्चंस, तो अब हम पढ़ेंगे उनको। तो पढ़िए 19th क्वेश्चन क्या है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेके टीडीसी, इसे आप मार्क कर सकते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेके टीडीसी? तो बताइए, जम्मू, ऑप्शंस आपके पास है, जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपिंग कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपिंग कॉरपोरेशन, या जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो बताइए, इसमें से जो सही आंसर है, यानी कि जो फुल फॉर्म है जेके टीडीसी की, जो सही फुल फॉर्म है वो कौन सी है? तो चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, तो चूज द वन करेक्ट जो आपको सही इसका जो आंसर लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो आपका है वो इसका सही आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसका सही फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको एक और क्वेश्चन इसके लिए पूछा जा सकता है कि जो जेके टी डी सी थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो वो डेट भी आपको याद रखनी है, वो है आपकी 13 फरवरी 1970। तो इस डेट को जो है हमारी जे के टी डी सी इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये दोनों चीजें आपने इसके लिए, इसके जो है याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म भी और ये डेट भी, तो ये दोनों आपने अच्छे से याद रखनी है। तो जेके टी डी सी की क्या फुल फॉर्म है? जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 4 से 5 बार इस जो है इन तीनों वर्ड्स को पढ़िएगा आप, तो आपको जो है कवर हो जाएगा, इसका अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रियासी फोर्ट? कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो रियासी फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो धनिंदर फोर्ट, बाहू फोर्ट, जसरोटा फोर्ट या भीमगढ़ फोर्ट, इसमें से कौन सा ऐसा फोर्ट है जो रियासी फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो हमें आपने बताना है। तो होप आप सबने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है भीमगढ़ फोर्ट, जो कि 1889 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया था। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है, हैंडेड ओवर टू आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसके बारे में ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ये क्या कर दिया गया था? हैंडेड ओवर कर दिया गया था। कौन सी डेट में कर दिया गया था? 1889 में। तो होप आज की जो वीडियोस हैं वो आपको कवर अच्छे से समझ आई होंगी। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको PDFs, प्रैक्टिस सेट और क्विजेस जो हम कंडक्ट करवाते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहे, लगातार अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रख सकें, और जो भी आपको मटेरियल चाहिए होगा वो आप अच्छे से पढ़ पाए। हमने होल सिलेबस जो है क्लास 4th का कंप्लीट किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो वो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।